हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल चंदीला सिस्टर्स। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो भाई आज जो है, आज है जन्माष्टमी। आज बहुत ही स्पेशल डे है, जन्माष्टमी है, ऊपर से आज मेरे भतीजे का है बर्थडे। तो हमारे घर में एक छोटा सा ही कीर्तन कह लो या भजन कह लो या फिर उसे छोटा सा फंक्शन कह लो, तो आज हमारे घर में वो है। तो मैं आपको आज पूरा दिखाऊंगी। आज हमारे घर में ऑलमोस्ट सबका व्रत है, सबका, बस एक इस नास्तिक का व्रत नहीं है। ये जो नास्तिक जा रही है इसका व्रत नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट हमारी मम्मी का भी नहीं है। वो शुगर के पेशेंट, शुगर है उन्हें, तो इसलिए वो भी व्रत नहीं रख पाती है, रखती है पर जन्माष्टमी का आज नहीं रखा है उन्होंने, क्योंकि आज बहुत सारा काम हो जाएगा। और बड़ी मम्मी का तो व्रत है। तो आज हमारे घर में जो छोटा सा फंक्शन, कीर्तन, भजन, जो भी आप कह लो वो है, भगवान का नाम ले रहे हैं, जैसे भी हो सकता है, तो आज मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। और अभी मैं जा रही हूँ, अभी देखो नहा तो ली हूँ और अभी मैं जा रही हूँ अपना पानी देने, ठीक है। इसमें देखो मैंने दूध और थोड़ी सी चीनी डाल ली है, तो अभी हम ज़रा सूर्य को अर्घ दे के आते हैं, उसके बाद थोड़ी चाय पानी पियेंगे, क्योंकि अभी 11:30 का टाइम तो हो चुका है। और फिर उसके बाद जो भी होगा वो सब आपको आगे दिखाऊंगी मैं। भाई चाय पानी अभी नहीं पी है, अभी मैं बड़ी मम्मी के साथ जा रही हूँ कीर्तन का बुलावा देने के लिए। मम्मी अपने साथ ले जा रही है कि बहुत दूर है, मेरे से पैदल नहीं चला जाएगा। तो मम्मी की जो दूर दूर की फ्रेंड्स हैं उनको बुलाया देने जा रही हूँ मैं स्कूटी से। तो पहले हम बुलाया देने जा रहे हैं, उसके बाद मैं आके चाय पानी पीऊँगी, तो क्योंकि फिर कीर्तन शुरू हो जाएगा तो फ़ायदा क्या। और मेरा भतीजा एज यूजल रो रहा है, उसका कोई काम नहीं है लड़ना और रोने का काम अलावा। और बाकी ये देखो तैयारी चल रही है, खाली कर दी है सारी जगह, और वहाँ पे चौकी वोकी शायद लगेगी, पता अभी मुझे है नहीं। तो अभी जा रही हूँ मम्मी के साथ, और ये देखो मम्मी आ गई, मम्मी आ गई, और मम्मी का भी व्रत है और चल रहे हैं, चले। तो भाई मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ, अब मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो मम्मी की तैयारी भी शुरू हो गई है, यहाँ चौकी रखोगे? तो वो कीर्तन वाली कब आएंगी? 12 बजे? चलो फिर पहले बुलाया दे आते हैं, फिर आपका लगा देंगे हम। फूल ले रखा मैंने तो मिले दस रुपये पहले। हमारा कीर्तन स्टार्ट हो चुका है, अब बोल रहे हैं हम आवाज में बहुत तेज, बोल रही हूँ तो आवाज आ रही है, आवाज नहीं आ रही तो उसके लिए सॉरी है। तो अभी हमारा कीर्तन स्टार्ट हो गया है, अभी लोगों का आना जाना शुरू हो गया है, जाना नहीं आना शुरू हो गया है। तो आप इंजॉय कीजिए सबका कीर्तन, में बाहर आके इसलिए बोल रही हूँ ताकि अंदर आवाज नहीं आती। तो आप आइए और इंजॉय कीजिए कीर्तन को। हमारे भजन कीर्तन तो सब खत्म हो चुके हैं, आपने देख ही लिया है, सारा लाइव देखा था। और ये दीदी ने गाया है हरे कृष्णा। आपको अच्छा लगा तो इस बेटी को जरूर आप लाइक कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बाकी तो आप कमेंट आप कर ही दोगे। हरे कृष्णा, राधे राधे, ठीक है। और अभी दीदी तो जा रही है और हमारा तो मैम देख रहे मेरा प्रसाद बनना शुरू हो गया है। ये मेरे अपने ड्राई फ्रूट्स पक रहे हैं और ये मेरी धनिया मैंने भून लिया है, ठीक है। अभी मैं इसमें बनाऊंगी पंजीरी, ठीक है। और भाभी बना रही है आलू के पराठे, बच्चों को खिला दिए उसने। तो अभी हमने प्रसाद बनाना, हमारा गवाह है, इसको एक्सक्यूज करना, इस पे 150 पराठे बन चुके हैं क्योंकि शादी वाला माहौल हो रहा है। 5 बजे से 8 बज चुके हैं मुझे पराठे बनाते बनाते, तो इसलिए प्लीज हमारी किचन को थोड़ा एक्सक्यूज करते हैं, ताकि मैं बहुत साफ रखती। कितने पराठे बना ली मुझे? बना देंगे 150-200 बना लिया। लैंड आर कम नहीं है हमारे, हमारे घर में जो लैंड आर, शादी वाला माहौल हो रहा है। मैं कह रही हूँ तवा देख लो, ये तवा बिल्कुल वैसा है, सिल्वर कलर का होता है ना, ब्लैक हुआ पड़ा है। तभी मैं आपको पहले बता दूँ कि हमारे किचन को प्लीज एक्सक्यूज कर देते हैं, थोड़ा गंदा हो। मैं किचन को ले ही नहीं रही इसलिए।
मैं तुम्हारी हम अभी बना रहे हैं मखाने की, हमारी खीर बन चुकी है। ये देखो, ये हमारी मखाने की खीर भी कंप्लीट हो चुकी है ना। और इसको मैंने थोड़ा भाई लिक्विड ही रखा है क्योंकि मेरे को अच्छी लगती है थोड़ी लिक्विड ही। आपने रखा है? ओ सॉरी, भाभी ने भाभी ने भाभी ने भाई भाभी ने नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। बड़ी मुश्किल से बचाया मैंने अपने क्रेडिट जाते जाते। हाय बोल, हाय गाइस, कितनी बार गाइस करवाई है, पूरे दिन का कराए। और हमारी अभी बन रही है भाई खोवा बन रहा है, हमें बनाएंगे हम खोवा की बर्फी। अब हमारी ड्राई फ्रूट पाक भी बनने के लिए तैयार है भाई। देख मेरी संजीरी बन गई है, लड्डू बन गए हैं, खीर बन गई है। दस ड्रोन मार के मैं ड्रोन की बना, वो सारे ड्रोन थे जो इससे मारे थे। अच्छा खीर भी तैयार है हमारी, बर्फी भी तैयार है, है? बारह हो चुके हैं और हमारे ठाकुर जी के नहाने का टाइम हो गया है। अब हम अपने ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं, तो शुरू करते हैं ये सब। डालते रहो
सो गाइस व्रत वगैरह सब व्रत क्या ठाकुर जी वगैरह नहा लिए हैं तो हमारा जो है व्रत पूरा हो गया है। चांद को अर्क दे दिया है, चांद निकला नहीं है फिर भी अर्क दे दिया है, एक बज रहा है नहलाने धुलाने में सब में। और अब हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो आज की वीडियो का एंड मैं करती हूँ यहीं पे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।